हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेस स्केल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फंक्शन। तो आज हम एक रियल टाइम एग्जांपल देखने वाले हैं, जो आप जब भी आप कोई बैंकिंग या फाइनेंस इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो आपको ये रिक्वायरमेंट आने ही वाली है। तो आपको ये इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या रहता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक कंपनी है, एक कंपनी कोई ओपन करता है तो उसका एक ऑनर रहेगा। तो मैं उसका बोल रहा हूँ कि उसका ID1 है, लेकिन उस ID1 में उस ऑनर को कोई रिपोर्ट करेगा, उसके कोई एम्प्लॉय रहेंगे या उसका कोई पार्टनर रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, एक को पार्टनर है, मैं बोल रहा हूँ को ऑनर है। तो उसका क्या क्या है, ID2, लेकिन वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो लेवल है, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेवल 1 है, 2 है, 3 है। तो उसका एक क्या रहेगा, पेरेंट ID। तो ID2 क्या है मेरा, इसका पेरेंट क्या है, ID1 है, मतलब इसको ये रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर भी कोई एम्प्लॉय रहेंगे तो ID3 रिपोर्ट कर रहा है इसको। तो इसका पेरेंट कौन है, ID2। तो एक एक कम होते जा रहा है। तो देखिए, मैंने ये सिंपल एग्जांपल लिया, लेकिन आपका रियल लाइफ जो रहेगा वो आपका बिजनेस यूनिट का रहेगा या इस तरह की कोई बैंकिंग टर्म रहेंगी उससे रिलेटेड रहेगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपके पास डेटा आएगा, डेटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डेटा आया है ID4 का। तो आपको ID ये रहेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट में रहेगा कि आपको Level 1 का डेटा दिखाना है रिपोर्ट में। तो अभी देखिए, ID4 से ID1 जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा कि इसका पेरेंट कौन है, ID3 है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इसका पेरेंट कौन है, ID2 पे एंड ID1 पे। तो जो फाइनल रिपोर्ट रहेगी मेरा, जैसे 1 है एंड इसका जो रिपोर्ट क्या दिखाएगा मेरा, ID1 Level 1, जबकि मेरे पास डेटा कहाँ का था, जो डेटा आया था वो था मेरे पास ID4 से। तो आपको रिकर्सिवली बॉटम टू टॉप जाना है एंड फर्स्ट रिपोर्ट को दिखाना है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है पेरेंट चाइल्ड। लेकिन हो सकता है दूसरी रिक्वायरमेंट रहे कि आपको Level 3 का दिखाना है और आपके पास जो डेटा है वो ID4 का है। तो आपको अगेन इसको 1 लेवल अप जाकर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इस रिक्वायरमेंट को अपन ने सॉल्व करने के लिए अपन एक फंक्शन लिख रहे हैं, एंड उस फंक्शन की मदद से अपन क्या करेंगे, सीधा ID पास करेंगे, कौन सा ID है एंड कौन से लेवल पे है एंड कौन सा लेवल आपको चाहिए दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक फंक्शन लिखते हैं, PG एडमिन ओपन करते हैं, एंड मैं वहां पर समझाते जाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो आप देखेंगे आपको हमेशा ये वाला फंक्शन काम आने वाला है जब भी आप बैंकिंग वगैरह में काम करेंगे। तो चलिए अपन करते हैं PG एडमिन। चलिए, मैंने PG एडमिन ओपन कर लिया है। तो अपना जो अपन टेबल बना रहे थे, जो कि हायरार्की का एग्जाम्पल है, अपन उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, क्या है अपना स्कीमा, क्या है, डेमो टेस्ट हायरार्की। तो अपन ने क्या बनाया था कि मेरा एक ID है जो कि एम्प्लॉय है, उसका ID रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन कि क्या नेम है, उसका पेरेंट ID, मतलब वो उसका पेरेंट कौन है। तो क्या रहेगा, देखिए हमेशा आपने देखा होगा कि आपका जब भी डेटा रहेगा तो आपका सिंगल पेरेंट रहेगा, हो सकते हैं मल्टीपल चाइल्ड रहे लेकिन हमेशा आपको पेरेंट बन रहेगा। तो आप जैसे ट्री बनेगा एक तरह से, इसके कारण इसको हायरार्की बोलते हैं, टॉप टू बॉटम हायरार्की। तो आपके मल्टीपल चाइल्ड रहेंगे लेकिन आप अप जाते जाएंगे तो हर चाइल्ड का एक पेरेंट, एक पेरेंट, एक पेरेंट एंड आप इस तरह से टॉप पे पहुंचेंगे। तो ये अपना रिकर्सिव फंक्शन यूज करने वाले हैं। इसके कारण अपन जो CTE रहता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसमें एक रिकर्सिव फंक्शनलिटी है जिसका अपन एक वीडियो भी बनाया है, तो उसको यूज करके अपने फंक्शन लिखने वाले हैं। तो अपन इसको रन करेंगे, क्रिएट कर लेंगे अपना टेबल एंड इसको इंसर्ट कर देंगे डेटा। तो मैंने ये डेटा सिंपल इंसर्ट कर दिया है, इसमें अपन इसको सेलेक्ट करके देखते हैं कि क्या डेटा है। तो मैंने 2 एंट्री के लिए डेटा डाला है, आप देखेंगे डेटा। तो मैंने दिखाने के लिए कि मेरे पास मल्टीपल एंट्री के लिए भी काम करेगा, तो मेरे पास 2 लेयर है, एक तो ID1 का है, एक CD1 का है। तो ID1 का ये तो मैंने टॉप पे डाला है, Level 1 पे है, ऑनर है। उसके बाद मेरा ID2 है यहाँ पे नीचे, ऑर्डर बाय रन करेंगे, इसको ही रन करते हैं। तो सेकंड नंबर पे मेरा ID2 है, को ऑनर उसको रिपोर्ट कर रहा है इसका। ये देखिए आपको रिलेशनशिप दिख रहा होगा, जैसे एम्प्लॉय और मैनेजर रहता है उस तरह का रिलेशनशिप। ये देखिए, इसका बॉस ए है, इसका बॉस ए है एंड उनके किस लेवल पे है। तो इसका डेटा मैंने डाल दिया है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन लिखना। चलिए, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने फंक्शन लिख लिया है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं एंड इसको डीबग करके एंड रन करके देखेंगे। तो क्या है अपना सिंपल स्टेटमेंट, क्या होता है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन।
ये अपना स्टार्टिंग में ए स्टेटमेंट होता है। इसके बाद किस स्कीमा में कर रहे हैं, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि एफ एन से स्टार्ट करूँ तो मुझे मालूम चले फंक्शन है। प्रोसीजर के लिए पी आर सी या इस तरह का पी आर वर्ड। अंडर स्कोर अपन बोल रहे हैं रोल अप हायरार्की, क्या कर रहे हैं अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इसके कारण मैंने उसको नाम दिया है रोल अप हायरार्की। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अपने को पैरामीटर चाहिए, जो वेरिएबल चाहिए, तो क्या क्या चाहिए अपने को। मैं बोल रहा हूँ कि आई डी, तो मैं क्या देखने वाला हूँ कि मैं आई डी 4 को पास करूंगा यहाँ पे, आई डी 4। एंड इसका मैं पास करूंगा कि लेवल किस लेवल पे है, कोई जरूरी नहीं है। मेरे केस में तो मैंने आई डी 4 एंड 4 एक ही साथ लिखा है, तो दोनों एक ही लेवल पे है, लेकिन हो सकता है ये अलग नेम रहेगा और लेवल अलग रहेगा। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4 है, एंड उसके हिसाब से अपन फंक्शन को चेंज करेंगे कि मेरे को टॉप चाहिए या 3 नंबर का चाहिए। तो ये बेसिक फंक्शन लिख रहे हैं, अपन आगे आने वाले वीडियो में इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो ये तो एकदम बेसिक कि मेरा टॉप बॉटम का कोई भी एक एंट्री है उससे मुझे टॉप पेरेंट्स चाहिए। तो यहाँ से हो गया, तो मेरे पास क्या कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ आईडी एंड लेबल। तो मैं अंडर स्कोर देता हूँ जनरली इसको, क्योंकि अपन जो वेरिएबल यूज करते हैं उसमें विदाउट अंडर स्कोर यूज करते हैं, तो मेरे को मालूम चलेगा कि कौन सा मेरा वेरिएबल है कौन सा मेरा पैरामीटर है। तो आईडी इसमें पास कर रहा हूँ एंड लेबल, ये हो गया मेरे वेरिएबल हो गए। इनको जब मैं पास करूंगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरे को ये पास करना रहेगा। रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, टेबल कर रहा हूँ। तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरी टेबल, जैसे अभी तो मैं मल्टी एक सिंगल रो को रिटर्न करने वाला हूं, लेकिन फ्यूचर में यदि आपको मल्टी रो चाहिए तो उसके लिए मैं टेबल बना रहा हूं कि मैं, अदरवाइज रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या बेयर केयर आपको सिर्फ एक ही एंट्री चाहिए, आईडी चाहिए, तो आप बेयर केयर भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को रिटर्न कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे टेबल में चाहिए रहेगा उसका आईडी डिस्क्रिप्शन एंड लेबल। सिंपल है ये, अपन ने देखा एज एंड बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड एंड होगी लास्ट में। तो ये तो हो गया अपना बॉडी का पार्ट। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन फंक्शनैलिटी है। तो अपन ने फंक्शनैलिटी अपन ने समझ के रखी है। सेलेक्ट क्वेरी में फिर से रन कर देता हूँ कि मेरा 1 2 है इस तरह से। तो अपने को क्या चाहिए, पहले नंबर तो एक चाहिए कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आईडी। जैसे मैं पास कर रहा हूँ आईडी नंबर 4, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, विथ रिकर्सिव, क्योंकि अपन एक एक करके रिकॉर्ड जा रहा है। मेरे टॉप 4 का पेरेंट 3 है, 3 का 2 है, 2 का 1 है, तो इस तरह से बॉटम से टॉप पे जा रहा है, तो मुझे ये रिकर्सिव बार बार करना पड़ेगा। तो इसके कारण मेरे को जो सीटी यूज कर रहा हूँ कौन सा, रिकर्सिव यूज करना पड़ेगा। विथ रिकर्सिव सीटीई का नाम मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड, रिकर्सिव के लिए REC अंडरस्कोर TBL, क्योंकि मैं टेबल को रिटर्न कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या करना है, पास आईडी, क्योंकि जो आईडीज है उसकी बात कर रहा हूँ, आईडी एज, देन टेबल में क्या क्या एंट्री है मेरे पास, आईडी है तो मैं आईडी को सेलेक्ट कर लिया हूँ, डिस्क्रिप्शन, पेरेंट आईडी एंड लेवल। तो अपने पास जो टेबल देखेंगे इसमें अपने पास ये चारों एंट्री थी यहाँ पे, कि मेरे पास आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, पेरेंट आईडी है, लेवल है, तो मैंने चारों को सेलेक्ट कर लिया है। फ्रॉम किस से, मेरे टेबल से। तो टेबल का नाम क्या था, डेमो टेस्ट डॉट हायर एग्जाम्पल, ये अपन ने टेबल क्रिएट किया था। इसका मैंने एक एलियास नाम दे दिया है ट्री, क्योंकि अपन इसको ट्री फॉर्म में बना रहे हैं, तो इसके कारण मैंने इसको दे दिया है नेम ट्री, वेयर आईडी इक्वल टू क्या है मेरा आईडीज, ये मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से। तो अपने एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं यदि पास करूँगा 3rd नंबर या 4th नंबर का, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी। तो अपन किस तरह से पास करेंगे, यहाँ पे यदि मैं 4 पास कर रहा हूँ तो उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से मुझे जो रिकर्सिव है स्टार्ट करना है। आईडी क्या था, आईडी 4, ये देखिए। तो आपका ये यहां से हो गया, तो आपको 4 से ऊपर जाना है, 4 के बाद नेक्स्ट आइटम 3 2 1, क्योंकि अपन यहां पे 5 लिखूंगा तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, 5 से। इसको देखेंगे तो अपना जो स्टार्ट होगा रिकर्सिव 5 टाइम 5 से स्टार्ट होगा। तो यहां पे अपन पास कर रहे हैं, अपन ने देखा है रिकर्सिव का सीटी रिकर्सिव में, ये तो मेरा फर्स्ट एंट्री हो गया। इसके बाद क्या होता है, यूनियन ऑल आता है, एंड इसी सेम रिकर्सिव टेबल को अपन वहां पे रिकर्सिव के लिए यूज करते हैं। तो वहां पे लगा देंगे अपन यूनियन ऑल एंड सेम सेलेक्ट, यही सेम एंट्री अपन वहां पे भी सेलेक्ट कर रहे हैं चारों, फ्रॉम रिकर्सिव टेबल, ये रिकर्सिव टेबल बनाया है, एंड ज्वाइन उसी टेबल के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्या है जो रो नंबर 1 है उसी टेबल में है, एंड रो नंबर 3rd जो है पेरेंट आईडी उसी टेबल में है। तो अपने को इन दोनों को लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनियन ऑल के साथ सेम टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिकर्सिव टेबल एंड सेम डेमो टेस्ट हायरार्की ट्री,
एंड ज्वाइनिंग कहाँ पे है, मेरा आईडी पर, तो मैं ट्री डॉट आई डी एंड रिकर्सिव टेबल का पेरेंट आई डी, क्योंकि इसके साथ अपन इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली एंट्री नेक्स्ट ऊपर वाले में आई डी 4, यहाँ पे आई डी 3 रहेगा, तो आई डी 4 को आई डी 4 के साथ अपन यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। एंड मुझे क्या करना है, देखिए फर्स्ट एंट्री मैंने डाल दी है, उस पेरेंट आई डी इज नॉट नल, क्योंकि मुझे कहाँ तक जाना है, टॉप 1 तक जाना है, तो अपन इसको समझेंगे, इसको हटा के भी देखेंगे, तो ये मेरा चलना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टॉप तक ही जाना है, तो मुझे फर्स्ट एंट्री के लिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, नॉट नल, क्योंकि अपन ने जो एंट्री देखी है यहाँ पे क्या डाला है, आई डी 1 के लिए आपको याद होगा यहाँ पे नल वैल्यू है। ये हो गया मेरा रिकर्सिव टेबल का स्ट्रक्चर। एंड जो सेलेक्ट है, जो रिटर्न करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि आई डी, जो मेरा टॉप मेरा आई डी 1 रहेगा, डिस्क्रिप्शन लेवल फ्रॉम रिकर्सिव टेबल वेल लेवल इक्वल टू माइनस लेवल, जो कि अपन ने क्या है आर्गुमेंट पास किया है कि किस लेवल की मुझे एंट्री चाहिए। लेकिन अपन जो पहला एग्जांपल देख रहा है, अपन उसमें समझना चाह रहे हैं कि मैं यदि 4 से स्टार्ट करता हूँ तो 3, 2, 1 सारे प्रिंट करें, क्योंकि आपने देखा होगा जो अपन ने रिटर्न किया है वो अपन ने टेबल किया है, तो अपन इसमें मैनेज कर सकते हैं कि मैं तीनों एंट्री को भी प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि कंप्लीट टेबल को रिटर्न कर रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल अपन पहले समझते हैं कि कंप्लीट पूरी टेबल की टेबल वो रिटर्न कर दे, तो यहाँ पर मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन पूरी टेबल बोले तो मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 3, 2, 1, 2 से कर रहा हूँ तो 2n1, इस तरह का, तो वो अभी रन करते हैं, तो अपन इसको रन करके देख लेते हैं कंप्लीट, तो इसको अब रन करेंगे अपना, तो अपने देखिए अपन क्या किया है, आई डी 4 से अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ पे आई डी 4, तो आई डी 4, आई डी 3 एंड आई डी 2 का एंट्री है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी देखिए आपके पास एक बग है कि यदि आपको आईडी 1 चाहिए, मेरे को रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा था कि मुझे टॉप मोस्ट ऑनर का आईडी चाहिए, तो वो मिसिंग है। वो क्यों है कि अपन ने देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक करी, अपने को ये पेरेंट आईडी इज नॉट नल नहीं लगाना है, नॉट लगन मतलब अपन उसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, लेकिन यदि रिक्वायरमेंट में आपको रहा कि टॉप मोस्ट दिखाना है तो आपका ये नहीं चलेगा, तो इसके लिए अपने को ये कमेंट कर देना है। अभी रन करके देखते हैं तो आपका बन भी इंक्लूड होना चाहिए, ये देखिए बन भी इंक्लूड हो गया। तो अभी अपना जो भी फिल्टर कंडीशन रहेगी अपन ऐड करके वो एंट्री निकाल सकते हैं कि कौन सी लेवल की मुझे एंट्री चाहिए। यदि मैं यहाँ पे आईडी 2 डाल देता हूँ या आईडी 3 डालता हूँ, तो आईडी 3 से स्टार्ट होकर वो टॉप पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट रिकर्सिव दिखाते जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे स्टार्ट किया आईडी 3, उसका पेरेंट कौन था, आईडी 2 उसकी एंट्री, आईडी 2 का पेरेंट कौन था, आईडी 1, एंड यहाँ पे 1 की एंट्री मिल गई। अभी रिक्वायरमेंट को अपन देखिए अपना ए या डीबग का एडवांटेज कि अपने पास एक बग था, अपन ने उसको सही कर दिया है, अभी अपन इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं एंड रन करके देखते हैं एंड फिर मॉडिफाई करेंगे। तो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे एंड अपन करेंगे कंपाइल, तो आपका क्रिएट फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अभी आपका क्रिएट हो गया है, अभी इसको अपने को क्या था कॉल करने के लिए, क्या है प्रोसीजर को अपन कॉल करते थे, लेकिन फंक्शन को क्या कहते थे, सेलेक्ट आपका फंक्शन का नेम यहां पर एंड आपके जो आर्गुमेंट है, तो अपन जो सिंपल जो समझ रहे थे वही पास करते हैं आईडी 4। पहले देख लेते हैं अपन ने इसको हटाया है कि नहीं, नहीं हटाया है, तो अपने को आइडली यहां पर क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हार्ड कोड हो गया है, तो आईडी 4 एनीथिंग एल्स यहां पे ठीक है एक ही था, तो इसको फिर से अपन कर देते हैं कंपाइल, फिर से अपन ने क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे आईडी 4, अदरवाइज क्या कहते कि हर बार वो आईडी 3 का ही लेता कि आपका लेवल आईडी 3 है, एंड इसकी एंट्री अपन डाल रहे हैं 4, तो अपने को 4, 3, 2, 1 इस तरह से एंट्री आनी चाहिए। रन करके देख लेते हैं फंक्शन, तो आपको किस तरह से आ जाएगा आईडी, ये देखिए 4 आईडी 3 आईडी 2 आईडी 1 का। तो आपने देखा था लास्ट टाइम यदि आपको टेबल की तरह प्रिंट करना है तो क्या करते हैं यहाँ पे स्टार लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि ये एक तरह से टेबल की तरह काम करता है, यही फंक्शन का एडवांटेज है कि आप इसको सेलेक्ट की टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब सारे कॉलम, तो अभी ये क्या करना चाहिए आपकी जो टेबल रहती है उस तरह से प्रिंट करना चाहिए, ये देखिए तो आईडी अलग कर दिया, डिस्क्रिप्शन लेवल आपके 4 हो गए। तो आपने देखिए क्या है, आपने पास किया है डेटा में आईडी 4, उसके बेसिस पे आप गए टॉप लेवल तक एंसरों को आपने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे देखिए आईडी 1, लेकिन आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है कि आप आईडी 4 पास कर रहे हैं एंड रिक्वायरमेंट के आपको ये डेटा प्रिंट करना है कि आपका टॉप मोस्ट लेवल क्या है, लेवल 1 की एंट्री आपको दिखानी है, तो अपने को क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
फंक्शन को थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, पास कर देंगे वेयर लेबल इक्वल टू, कौन से लेबल की एंट्री चाहिए मुझे, उस लेबल का आईडी। तो फॉर एग्जांपल मैं आईडी 4 पास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रिंट कराना है आईडी 1 किया, तो यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा 1। इसको कंपाइल कर देते हैं, ये देखिए इसको अपन ने फंक्शन को अगेन कंपाइल किया। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं 1, इसको रन करके देखते हैं, एंड आपकी 1 की एंट्री आ गई। देखिए अभी आपका फंक्शन किस तरह से चल रहा है कि आप पास कर रहे हैं आईडी 4 मतलब फोर्थ लेवल पे, एंड उसको आपको दिखाना है उसका टॉप मोस्ट ऑनर कौन है। यदि आपको दिखाना है कि उसका को ऑनर कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, आपने आईडी 4 पास किया है एंड 2, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा वो 2 की एंट्री, ये देखिए 2। तो आपने इसको देखिए जेनरिक बना दिया है। आप कोई से भी लेवल है, आप 100 लेवल पे हैं एंड आपको जाके देखना है कि 5th नंबर पे कौन है, 60 नंबर पे कौन है, आप उस तरह से डाल सकते हैं। तो जैसे अभी एक और एग्जांपल, इसको अपन डाल देते हैं 5th नंबर, आईडी 4 की जगह अपन पास करते हैं 5 एंड यहाँ पे अपन डालते हैं 3 कि मेरे को 3rd नंबर पे कौन है। तो इसको आप रन करेंगे तो ये एकदम जेनरिक पेरेंट चाइल्ड के लिए चल रहा है। देखिए आईडी 3 का कर दिया है यहाँ पे। अगेन यदि आपको पूरा का पूरा टेबल आपको रिटर्न करना है कि आपको 4 से 5 पास कर रहे हैं 3 2 1 का, तो आप सीधा उसको, या आप जो अपने लास्ट वीडियो में देखा है वेयर 1 इक्वल टू 1 करके आप दोनों मैनेज कर सकते हैं कि वो दोनों कंडीशन के लिए चले। यदि आपको एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए, लेवल चाहिए वो, या जेनरिक, तो अपन इस तरह के जो एनहेंसमेंट है जो अगला वीडियो बनाएंगे ना उसमें करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये काफ़ी यूज में आने वाला है। एंड आपको यदि ज़रा सा भी इसको सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। इसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। CTE का जो मेन फंक्शनैलिटी है, तो अपन ने रिकर्सिव यूज़ किया है यहाँ पे, जहाँ पे पहले टेबल में अपना जो आपका रिक्वायरमेंट है, आप आईडी वो पास कर रहे हैं कि किस लेवल का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, एंड उसको रिकर्सिव पे ले जाके उसको आप रिकर्सिव चला रहे हैं टॉप टू, रिकर्सिव बॉटम टू अप, एंड उसको आपका जो भी फिल्टर कराना है यहाँ पे आप प्रिंट करा ले रहे हैं उसको। तो अपन इसको रियल लाइफ में जो एग्जांपल आएगा, अपन इसको सेलेक्ट करी दूसरे टेबल के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, एंड इसको कुछ इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। यदि आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको ऐड कर लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।